तो देखिए मेरे मित्र और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टालकॉम के बारे में, मतलब रिलायंस कॉम कम्युनिकेशन के बारे में। तो आर कॉम के अंदर जो आज मैं डाटा आपको शो करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ओवरऑल आज देखा जाए तो स्टॉक का, जैसे आप देख सकते हैं फ्राइडे का दिन है और आज अभी स्टॉक खुलने वाला है। आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा लेट डलेगा 1 बजे के समथिंग, लेकिन मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा स्टॉक मूवमेंट में कैसा रह सकता है अगले हफ्ते और क्या क्या उसके अंदर परफॉर्मेंस रह सकता है। तो बात कर ले अगर आर कॉम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन पॉजिटिव मूवमेंट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर बुक जो है उसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी में बाय हुआ है, मतलब इतनी अच्छी क्वांटिटी है। और उससे पहले मैं और कुछ समझाऊँ आपको कहना चाहूँगा, इंट्रो देना चाहूँगा छोटा सा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फाइनली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर हम देखते हैं तो 3.40 पे है तो सही स्टॉक और मूवमेंट भी बहुत बढ़िया देखने को मिला है। आप बात कर ले अगर अपर बैंड लोअर बैंड और सभी को देखते हुए, तो यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम भी बहुत अच्छी खासी है, मतलब टॉप 10 NSE वॉल्यूम में रह चुका है। और अगर बात कर ले इंपॉर्टेंट डेट की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट आपको देखने को मिल जाएगी। अभी कोई भी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी सितंबर वाले में। अगस्त में ज़रूर थोड़ी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। अब जा चुके हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स और तो इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है कंपनी पे। और कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें उसके अंदर भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो इसकी जो न्यूज़ आई है ब्रेकिंग, इसके ऊपर है। तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय एयरटेल स्टॉक हिट्स ऑल टाइम हाई, आरकॉम वोडाफोन आइडिया जंप, टेलीकॉम शेयर गेन्स अहेड ऑफ कैबिनेट मीटिंग। तो जो कैबिनेट मीटिंग में पैकेज अनाउंस हो चुका है, रिलीफ पैकेज और एक बहुत अच्छा पैकेज देखने को मिला है, उस पैकेज के द्वारा सभी जो टेलीकॉम सेक्टर के थे स्टॉक वो सभी भागे, चाहे वो तेजस नेटवर्क हो, वोडाफोन आइडिया हो, आरकॉम और TTML नहीं भागा, MTNL भी भागा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला सभी बहुत अच्छे से भागे। और जो बात करें जो वोडाफोन आइडिया का 58,000 का AGR ड्यूज था, उसके लिए भी DOT ने कुछ तो अपना दिया है, 4 ईयर दिए लीगल पीरियड के लिए पेमेंट को करने के लिए। और लीगल ऑब्जर्व बाय गवर्नमेंट डिसाइड टू प्रोवाइड डिफेंडमेंट फॉर 4 ईयर टूवर्ड द पेमेंट। तो आप देखिए अच्छा खासा न्यूज़ है, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं NSE की इस पे वेबसाइट पे। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।